दोस्तों आज हम 23 ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जिन स्टॉक ने अच्छा खासा ही रिटर्न दिया है हमें, और इन स्टॉक का जो प्राइस है वो 6 रुपीज़ से नीचे है, अंडर यानी कहा जाए तो 6 रुपीज़ से नीचे है दोस्त। ठीक है, तो इन शेयर्स का यहाँ पर आप पी भी देख सकते हो, देन यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, एंड इन सारे स्टॉक को हमने इसी तरीके से फिल्टर किया है जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो पहला जो स्टॉक है इसके बारे में अगर कहा जाए तो देख सकते हो इस कंपनी का जो स्टॉक का नेम है, इसका अगर कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नेम है, वो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करता है। 10% अभी डाउन में है बट 70% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर। नेक्स्ट जो स्टॉक है इसके बारे में अगर कहा जाए तो तिलक वेंचर है इस कंपनी का नेम, एंड इसका जो स्टॉक का बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर में काम है। 50% का रिटर्न है 1 साल में, एंड इस कंपनी का यहाँ पर आप पी देख सकते हो, देन यहाँ पर बाकी सारे चीज़ तो देख ही सकते हो। उसके बाद अगर कहा जाए तो नेक्स्ट है 3 नंबर का जो स्टॉक, इसके बारे में अगर कहा जाए तो कैनवी ज्वेल्स कंपनी का नेम है, एंड इसका रिटर्न भी देख सकते हो कैसा है। नंबर 4th में जो कंपनी है इसके बारे में अगर कहा जाए तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्री है इस कंपनी का नेम, एंड इसने 600% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज सेक्टर में कंपनी का काम है। एंड उसके बाद यहाँ पर कहा जाए तो कंपनी का शेयर्स का प्राइस देख सकते हो, वॉल्यूम भी देख सकते हो, एंड पी तो देख ही सकते हो सब कुछ। नंबर 5 में जो कंपनी है इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसका नेम है गारमेंट मद्रा लाइफस्टाइल, एंड 26% इसका 1 ईयर्स का रिटर्न है। एंड इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए तो इसका पी देख सकते हो, बाकी सारे चीज़ तो देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगर कहा जाए ना तो 6 नंबर का जो स्टॉक है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी का स्टॉक ने 12% का रिटर्न दिया है, एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस सपोर्ट सर्विस सेक्टर में काम है। क्वाड प्रो कंपनी का मेन नेम है। नेक्स्ट जो कंपनी का नेम है वो है 7 नंबर का, देख सकते हो डेलीजेंट इंडस्ट्री है इस कंपनी का नेम, एंड यहाँ पर देख सकते हो इसका 1 ईयर्स का रिटर्न भी कितना है। उसके बाद कहा जाए तो जो स्टॉक है इसके बारे में अगर कहा जाए ना तो नंबर नेक्स्ट जो है ना कास्टिस पॉलीलाइन कंपनी का नेम है, इसने बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसे वाला बना के दिया है, एंड जिन्होंने और भी रखा है होल्ड करके उनका नुकसान हुआ है इस स्टॉक के थ्रू। बट ये स्टॉक का नेम देख सकते हो, ये स्टेशनरी सेक्टर में काम करता है। नेक्स्ट कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग स्पूर इंटरनेशनल वेंचर कंपनी का नेम है, 20% का रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज सेक्टर में काम है इसका। उसके बाद कहा जाए तो 10 नंबर का जो स्टॉक है कहा जाए ना तो ये जो स्टॉक है इसका सुलाबो इंजीनियरिंग एंड सर्विस सेक्टर में काम है, 44% का ही रिटर्न है इसका। उसके बाद अगर कहा जाए तो 11 नंबर का जो कंपनी है वो है संबम मीडिया, एंड यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी का यानी 1 ईयर्स का रिटर्न क्या है, तो 100% का ही रिटर्न है इस स्टॉक में। एंड उसके बाद अगर कहा जाए तो 12 नंबर का स्टॉक देख सकते हो डानूबी इंडस्ट्री है कंपनी का नेम, एंड पेपर प्रोडक्ट कंपनी का काम है, एंड 27% इसका स्टॉक डाउन में है। नेक्स्ट है 13 नंबर का जो स्टॉक इसके बारे में अगर कहा जाए तो फार्मास्यूटिकल का स्टॉक है, 30% रिटर्न है, 5% भी यहाँ पर 1 मंथ का रिटर्न है, एंड इस कंपनी का नेम देख सकते हो वेलकोर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का नेम है। 13 नंबर का स्टॉक है, ठीक है, बट कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो शेयर्स का प्राइस, देन यहाँ पर पी एंड उसके बाद वॉल्यूम भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है 14 नंबर का स्टॉक है इसके बारे में अगर कहा जाए तो देख सकते हो निहार इन्फो ग्लोबल कंपनी का नेम है, एंड इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए तो 1 ईयर्स का रिटर्न भी देख सकते हो कितना है। नेक्स्ट है 15 नंबर का स्टॉक जो उषा मार्टिन एजुकेशन कंपनी का नेम है, एंड ये जो कंपनी है इसके बारे में अगर कहा जाए तो 38% का रिटर्न है इसका। उसके बाद कहा जाए तो 16 नंबर का जो स्टॉक है इसके बारे में अगर कहा जाए ना दोस्तों तो देख सकते हो पीएम टेली यानी लिंक
कंपनी का नेम है, कमोडिटी सेक्टर में काम है इसका, तो स्पेलिंग भी आप देख लेना। उसके बाद अगर कहा जाए तो 17 नंबर का जो स्टॉक है इसके बारे में अगर बात करें ना, तो सुमित्स एंड फाउंडर्स इंडिया कंपनी का नेम है, 50% का रिटर्न है, रिसेंटली 6% डाउन में है पिछले 1 मंथ में। इस कंपनी का सेक्टर तो देख ही सकते हो आयरन एंड स्टील का है, एंड कंपनी का मार्केट साइज, क्लोजिंग प्राइस, पीई, वॉल्यूम भी देख सकते हो। नंबर 18 नंबर का जो स्टॉक है इसका नेम कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो शंकर डेकोर कंपनी का नेम है, होम फर्निशिंग कंपनी का नेम यानी सेक्टर है, 75% अप्रॉक्स रिटर्न है, 25% तो 1 मंथ का ही रिटर्न है इसका। तो इस कंपनी का भी वॉल्यूम कहा जाए तो 5,000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी का नेम जो है ना हरिया एपेरल्स कंपनी का नेम है, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करता है, 30% 1 ईयर्स का रिटर्न है, 1 मंथ का भी रिटर्न 6% से ज़्यादा है। नेक्स्ट कहा जाए तो 20 नंबर का जो स्टॉक है इसने 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट फ्रांसर एंड को कंपनी का नेम है। इस कंपनी के बाद कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो 21 नंबर का जो स्टॉक है इसने 7% का रिसेंटली रिटर्न दिया है, प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी का बिजनेस है एंड इनो कॉर्प कंपनी का नेम है। नेक्स्ट कहा जाए तो नेशनल प्लाईवुड्स इंडिया यानी इंडस्ट्री कंपनी का नेम है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का कंपनी का काम है, लेमिनेटेड का 16% का रिटर्न है ओनली 1 मंथ का। नेक्स्ट जो 23 नंबर का स्टॉक है इसके बारे में अगर बात करें तो देख सकते हो इसने 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, एंड इस कंपनी का जो स्टॉक है एक्स लिपसिट फाइनेंस कंपनी का नेम है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज सेक्टर में कंपनी का काम है। और दोस्त इन सारे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हो तो एक चीज़ है कि आप इनमें ना थोड़ा बहुत पैसा लगा के रखो, जो आप वैसे भी वेस्ट कर लेते हो इस तरीके से कि ताकि डूब भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, 1,000 रुपीज़, 500 रुपीज़ जितना भी हो सके, या तो 100 रुपीज़ भी। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ इन्हीं स्टॉक से नहीं होगा, आपको लार्ज मिड स्मॉल कैप का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, एंड उन्हीं स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना है जिन्होंने पास्ट में भी बेटर परफॉर्मेंस किया है एंड अभी भी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमने सारा मार्केट का सारे स्टॉक को फिल्टर करके निकाला है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का स्टॉक जिन्होंने पास्ट में भी बेटर किया है और अभी भी बेटर कर रहे हैं एंड फ्यूचर में भी बेटर करने का काबिलियत रखते हैं। जिन स्टॉक ने 10,000% रिटर्न दिया है पास्ट में, 50,000% का रिटर्न दिया है पास्ट में, तो आप चैनल पे जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में ही आपको दिख जाएगा सारा वीडियोस, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं।